आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में कि आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में क्या क्या कहा है। आप कह सकते हो ये चाणक्य नीति है और स्त्री नीति भी है। क्या क्या बातें स्त्रियों के बारे में कही जाती हैं, कितनी वो सही हैं, कितनी वो गलत हैं, सब हम समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल जो कि आज के ज़माने में पूछा जाता है मर्दों के द्वारा कि अच्छी पत्नी कौन सी होती है। अब सवाल ये भी उठना चाहिए कि हम अच्छा मर्द कौन सा होता है ये क्यों नहीं देखते। उसके लिए हम कभी और कोई वीडियो बनाएंगे कि मर्द कौन से अच्छे होते हैं, पवित्र मर्द कौन से होते हैं। मगर आज स्त्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि अच्छी पत्नी वो है जो मन से पवित्र हो और अपने पति से ही प्यार करे। और आज ये लागू होता है। आज ऐसा बहुत कम होता है कि एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड्स हो, मगर ये बहुत ज़्यादा होता है कि एक लड़की के दो तीन बॉयफ्रेंड्स हो। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑल दो लड़के भी होते हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं लड़के भी, मगर लड़कियों की अभी भी मात्रा ज़्यादा है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के पास ज़्यादा है ना। एक लड़की अगर चाहे तो सबको बॉयफ्रेंड बना सकती है, लेकिन एक लड़का चाहे तो सबको गर्लफ्रेंड्स बना सकता है, नहीं बना सकता। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अच्छी पत्नी वो होती है जो सिर्फ एक मर्द से ही प्यार करती है, जो उसका पति हो सकता है या उसका बॉयफ्रेंड या कोई प्रेमी हो सकता है ना। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि एक स्त्री अगर किसी मर्द को टूटकर चाह ले तो उसको सफल बना सकती है ना। अब कोई भी एक ऐसा मर्द है जिसको कोई स्त्री चाह रही है और वही है, तो उसके लिए डेडिकेटेड रहेगा, अपने काम पे फोकस कर पाएगा। लेकिन अगर वो यही सोचता रहेगा यार मेरी गर्लफ्रेंड किससे बात कर रही है, आज कॉल नहीं किया, या मेरी वाइफ आजकल मुझसे ढंग से बात नहीं करती, तो वैसे ही परेशान रहेगा, अपने काम पे ध्यान नहीं देगा और सक्सेसफुल तो क्या ही होगा। तो चाणक्य जी ने शायद ये बातें सही कही थी। दूसरा सवाल उठता है कि एक अच्छी पत्नी की परीक्षा कब होती है। हम कैसे पता लगाएं कि जो मेरी पत्नी है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो पवित्र है या बहुत अच्छी है। पवित्रता का उस टाइम लेना कुछ और ही था, लेकिन आज के टाइम में पवित्र ऐसे वर्ड मत सोचो। पवित्रता का लेना देना है, हम समझ सकते हैं अच्छा कौन है, एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, एक अच्छी वाइफ या एक कोई भी अच्छी लड़की कौन है, अच्छी कोई भी वुमन कौन है। तो चाणक्य जी बताते हैं कि जिस तरीके से आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को किसी खास काम के लिए भेजते हैं तो उसकी परीक्षा हो जाती है कि अगर वो काम को ढंग से कर देता है तो यानी कि वो सच में भरोसेमंद है, और अगर नहीं कर पाता तो भरोसेमंद नहीं है। ठीक इसी प्रकार सुख और दुख में हमें दोस्तों का पता चलता है। जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जब हम किसी दुख में होते हैं, तो समझ में आता है कि सच्चा दोस्त था या नहीं था। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो सभी खुशी बांटने आ जाते हैं, लेकिन जब दुखी हों तो दुख सुनने कोई नहीं आता। और इसी तरीके से एक अच्छी स्त्री वही होती है जब हमारे पास सब कुछ लुट जाए, जब हमारे पास धन यश ना हो, तभी एक अच्छी पत्नी की परीक्षा होती है। जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ रहेगी, जब आप बहुत पैसे छाप रहे होंगे तो पत्नी आपसे खुश रहेगी, लेकिन जब आपके पास सब लुट जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या तब भी वो स्त्री, क्या तब भी वो गर्लफ्रेंड आपके साथ रहती है? अगर हाँ तो उससे अच्छी स्त्री, उससे अच्छी गर्लफ्रेंड आपको नहीं मिलेगी, और अगर नहीं तो सोचने विचारने की जरूरत है। अच्छा, तीसरी चीज जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी आपको अटपटी लगेगी, क्योंकि चाणक्य जी ने शायद अटपटी बात कही है कि पत्नी का बलिदान कर देना चाहिए, ऐसी पत्नियों का बलिदान कर देना चाहिए। बलिदान मतलब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कौन सी ऐसी लड़कियां होती हैं, कौन सी ऐसी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वाइव्स होती हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो क्या कर देती हैं? चलो समझते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जब आप पर भारी से भारी संकट आ जाए तो आपको हमेशा अपने धन को बचाना चाहिए, साथ ही अपने पत्नी को भी बचाना चाहिए। यानी कि कैसे भी संकट में आपको धन को भी बचाना चाहिए, पत्नी को भी बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आपके आत्मसम्मान पर आए, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए, तो आपको धन को भी छोड़ देना चाहिए और पत्नी को भी छोड़ देना चाहिए। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा होता है, और ये आजकल बताया जाता है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप कैसा भी हो, और ऑब्वियसली है ना, ऐसा मत सोचना कि अब मैं पापा से बात कर रहा हूँ, पापा ने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर दी, मैं पापा को छोड़ दूंगा, घर से भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये एक अलग रिलेशन की बात की जा रही है जहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आप अपने माँ बाप की बात करें। जैसे आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, राइट, और आप दोनों का बहुत ज़्यादा सीन है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, आप दोनों की फाइट्स होती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको कुछ सुनाती है, या एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ सुनाता है, तो अगर किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, जरूरी नहीं कि एक लड़की एक लड़के के ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, एक लड़का भी बहुत कुछ सुना देता है और कई बार फिजिकली कुछ कर देता है, या फिर कई बार कुछ गाली गलौज कर देता है, तो कुछ भी अगर किसी के केस में भी ऐसा होता है तो उसको अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, एक
फिजिकल बेनिफिट के लिए, सेक्सुअल बेनिफिट के लिए, इमोशनल बेनिफिट के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए उसके साथ कंटिन्यू करते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आदत होती है और हम उससे दूर नहीं जा पा रहे होते। तो चाणक्य जी ने तभी ये बात कह दी थी कि ऐसे में आपको दूर कर देना चाहिए, ऐसे बंदों से दूर रहो, ऐसे लड़कियों से दूर रहो। चौथी चीज़ जो कि चौथा प्रश्न उठता है कि हमें किन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसी वो कौन सी स्त्रियाँ होती हैं जिनको हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड्स होती हैं जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। देखो गर्लफ्रेंड में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि तब वो गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता रहे होंगे ना यार, तब गर्लफ्रेंड्स नहीं हुआ करती थी, आज गर्लफ्रेंड्स होती हैं तो उस पर भी लागू होता है। और बात यह है कि एक जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कम दुखी होता है, लेकिन एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा दुखी होता है, या गर्लफ्रेंड वाइस वर्सा गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा दुखी होती है ना। तो समझते हैं कि कैसी गर्लफ्रेंड से, कैसी वाइफ से हमको दूर रहना चाहिए, या नॉर्मली कैसी औरत से हमको दूर रहना चाहिए। चाणक्य की राय में अगर किसी मूर्ख बालक को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप खुद एक मूर्ख हैं। किसी मूर्ख इंसान को सलाह देना, किसी मूर्ख बालक को पढ़ाना, अगर आप ऐसी कोशिश भी कर रहे हैं तो आप एक मूर्ख हैं। देखो जो कोई ये बात आपके समझना ही नहीं चाहता उसको समझा के भी आप कुछ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ ही अगर आप किसी दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं अपने फायदे के लिए तो भी आप एक दुष्टता भरा काम कर रहे हैं। वो औरत तो दुष्ट है ही है, आप उससे भी बड़े दुष्ट हैं। दुष्ट स्त्री कौन होती है? दुष्ट स्त्री वो होती है जो अपने सम्मान को बेच के कोई काम करती है। अब बहुत बार बोला जाता है कि वो मजबूर है या वो कैसी है कैसी नहीं है। देखो भाई, कोई मजबूर है कोई कैसा भी है, हमें उसे दूर रहना है। कोई मजबूरी में अगर अपने अपने बॉडी के को बेच रहा है तो भाई उससे दूर रहो तुम, वो जैसी है उसकी मजबूरी वो देखेगी, तुम उससे दूर रहो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम एक ऐसी लड़की के साथ भी एक रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं जो कि समाज में बदनाम है। देखो भाई, उसका कुछ नहीं जा रहा लेकिन तुम अपने सेक्सुअल बेनिफिट के लिए खुद को भी बर्बाद करो, उसकी तो इज्जत है नहीं है, तुम्हारी भी इज्जत खराब हो जाएगी। और वाइस वर्सा भी ये ट्रू है, अगर कोई ऐसा लड़का है जो बदनाम है, जो लड़कियों को सिर्फ यूज़ करता है, अब सिर्फ उसके लुक्स को देख के, उसके पैसों को देख के कोई लड़की उसके साथ आ जाती है रिलेशनशिप में, तो ये भी चीज़ खराब है, ये भी उसको बदनाम कर देगी लड़की को। बट हम यहाँ पर लड़कियों की बात करें, स्त्रियों के बारे में बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी स्त्री जो कि बदनाम है पूरे समाज में, उससे दूर रहो। बेशक आपको उससे सेक्सुअल बेनिफिट मिल रहा हो, फिजिकल बेनिफिट, या कैसा भी बेनिफिट मिल रहा हो, बेनिफिट गया भाड़ में, ऐसी लड़कियों से, ऐसी स्त्रियों से दूर रहो। देखो भाई, बहुत बार बोला जाता है और अभी भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला जाएगा कि स्त्रियों के बारे में ही चाणक्य जी ने क्यों कहा, तुम स्त्रियों के बारे में ही क्यों बताते हो, क्यों स्त्रियों के पवित्रता पर ही सवाल उठाया जाता है, मर्दों की पवित्रता पे क्यों नहीं सवाल उठाया जाता, क्या मर्द सारे पवित्र होते हैं, ये वो। अब देखो भाई, मैं नहीं कुछ कर सकता ना, चाणक्य जी ने अब स्त्रियों के बारे में बताया है तो अब मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, स्त्रियों के बारे में ये चीज़ कही गई है। ऑल तो मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्त्रियाँ क्या अपवित्र होती हैं, क्या मर्द नहीं अपवित्र होते, क्या स्त्रियाँ ही सारी दुष्ट होती हैं? यार तुम खुद सोचो कि जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उसमें मर्द ज़्यादा हैं औरतें कम हैं। बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम और ये फलाना ढिमकाना जितने भी होते हैं, वो मर्द ही तो कर रहे हैं ना, या चोरी जितनी भी होती है वो मर्द ही तो चोर होता है ना, बहुत ज़्यादा केसेस में, या 95% केसेस में तो भाई मर्द ही चोरी करके लाता है ना, कुछ चोर तो मर्द ही होता है ना, लड़कियाँ थोड़ी चोरी करने जाती हैं। तो भाई दुष्ट तो मर्द भी है ना, और देखा जाए तो ज़्यादातर दुष्ट मर्द हैं, मर्द औरतें तो तब भी कम होती, शांत रह जाती हैं। तो क्यों चाणक्य जी ने स्त्रियों के बारे में ही कहा है, मर्द के बारे में नहीं कहा, ये सवाल है भाई, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। और सवाल ये नहीं है कि औरत ज़्यादा दुष्ट है या मर्द ज़्यादा दुष्ट है, कौन पवित्र कौन अपवित्र है, सवाल ये है कि इंसान इंसान होता है, और जो बातें मैंने आपको स्त्रियों के बारे में बताई ये मर्दों पे भी लागू होती हैं कुछ कुछ बातों को छोड़ के। आपको क्या लगता है इस सब के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना और बातें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी।